सारे ही विद्यार्थियों प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए जमात दसवीं भाई साहब वीर सिंह की रचना गुलाब दा फुल तोड़न वाले नू। डाली नानो तोड़ न सानू असा हट महक दी लाई, लख गाहक जे सूंगे आके खाली कोए न जाई। तू जे एक तोड़ के लै गए हो एक जोगा रह जासे, ओ पी पलक झलक दा मेला रूप महक नस जाई पई। मेरी मां बोली दे अंदर रचना। प्रसंग की गल करते हैं पई, प्रसंग यह काव्य सत्र साड़ी पंजाबी दी पाठ्य पुस्तक साहित सुगंधिया विच दर्ज भाई साहब वीर सिंह की रचना गुलाब दा फुल तोड़न वाले नू विचों लईयां गईयां हन। इस कविता विच भाई साहब ने गुलाब दे फुल दा मानवीकरण किया है, मनुखी रूप दे विच पेश करदा है, पेश किया है, ते सारी कविता गुलाब दे मूहो अखवाई है। इस राही कवि ने मनुख नू गुलाब दे फुल तोड़न दी थां उसकी सुंदरता नू मानन दी सिख्या दित्ती है। सिख्या दा एक कविता है। जे एक ही लाइन लिखनी होवे चौथी लाइन प्रसंग दे अंदर तां लिख सकदे आ कि कवि ने मनुख नू गुलाब दे फुल नू तोड़न दी थां उसकी सुंदरता नू मानन दी सिख्या दित्ती है। बाकी नाम ही लिखोगे तां वी कोई दिक्कत नहीं, पर तुहानू समझाता क्योंकि आपां पता होवे की होना है। हुण तां प्रसंग खत्म हो गया, थोड़ी गल्लां कर ली इस कविता के बारे। भाई साहब वीर सिंह ने गुलाब का मानवीकरण किया है, मनुखी रूप दे विच गुलाब मनुख वांगों कह रहा है भाई मैनू ना तोड़ो, तोड़ना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ना तोड़न की सिख्या भी है भाई साहब वीर सिंह जी देंदे है इस विच। डाली नानो तोड़ ना सानू असा हट महक दी लाई। डाली माने टाणी, तोड़ ना सानू गुलाब दा फुल कह रहे कि सानू टाली नानो ना तोड़। कवि गुलाब दा फुल तोड़न वाले नू कह रहा है कि गुलाब की कह रहे, गुलाबा कह रहे, और किनू कह रहे गुलाब दा फुल तोड़न वाले नू गुलाब, किनू कह रहे गुलाब दे फुल तोड़न वाले नू कौन कह रहे, गुलाब कह रहे। गुलाब दा मानवीकरण करता मनुखी रूप दे विच, क्योंकि गुलाब दा बूटा तो बोल नहीं सकता, कित्थे बोलूगा वो, कोई लै गया पट के लै गया पिछों बोलता थोड़ी है भाई आ जा आ जा भाई आ फुल क्यों तोड़ के लै गया ला इत्थे फुल ला। गुलाब का बूटा कितने बोलता है, परंतु भाई साहब भाई वीर सिंह कवि ने बुलाता गुलाब बोल रहे हैं, कह रहे भाई मन ना तोड़। कवि गुलाब का फुल तोड़न वाले नू कह रहा है कि डाली नानो तोड़ ना सानू। गुलाब की कहता है मनु टाणी नानो ना तोड़, डाली नानो तोड़ ना सानू, मैनू डाली नानो टहणी नानो ना तोड़। असा हट महक दी लाई, मैं तो महक दी हट्टी ला रही है। हट माने दुकान, हट माने हट्टी दुकान, असी ता खुशबू दी दुकान है लाई हुई है। और जैवी दुकान खुलती है खुशबू ही खुशबू, एवं गुलाब जिथे लग्या होगा ना सारे पासे गुलाब दी खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। लख गाहक जे सूंगे आके, इस दुकान के अंदर लखा गाहक आ जान और जे सूंगण खाली कोई ना जाए, कोई भी खाली नहीं जाऊगा। गुलाब दा फुल है इक्को जे ही खुशबू सारियां नू वंडेगा पई, कोई भी ग्राहक खाली नहीं जाएगा। तू जे एक तोड़ के लै गए हो, जे तू एक गुलाब दा फुल तोड़ के लै गया उस बूटे तो, तू जे एक गुलाब दा फुल तोड़ के लै गया एक जोगा रह जासे, तू फिर कल्ला उस जोगा रह जाएगा जो फुल तू तोड़ के लै गए, कल्ला उस जोगा रह जाएगा। ओ भी पलक झलकदा मेला रूप महक नस जाई। ओ भी फिर की है पलक झलकदा मेला, बहुत थोड़े समय का पलक झलक घड़ी पल दा। ओ भी की है कि पल दो पल थोड़ी समय उनकी खुशबू रहनी है, फिर उनकी रूप महक नस जाई,
उनका रूप है जेड़ा वो भी चला जाएगा, उनकी महक है खुशबू है वो भी चली जाएगी। तुसी कदे गुलाब का फुल तोड़ के वेख्या होना, जैवें तुसी गुलाब का फुल तोड़दे हो एक तो कल्ले उसी जोगे रह जाने, फिर वो गुलाब का फुल टाणी तो जे टाणी नाल लग्या रहिंदा तां सदा लई उहदी तुसी खुशबू नूं माण सकदे सी, परंतु हुण टाणी तो तोड़ लिया, तोड़ के तुसी खुशबू सूंघ रहे हो, पर किन्नी क देर, थोड़ी देर बाद कहिंदा रूप है जिहड़ा, रूप और खुशबू वह मरझा जाएगा, वह मरझा गया हुण की है धीरे धीरे बिल्कुल मरझा जाएगा खत्म, और महक है उनकी खुशबू भी आनी बंद हो जाएगी, सब नस जाएगा बंद हो जाएगी। यह सीगा गुलाब के फुल के बारे भाई साहब भाई वीर सिंह दे विचार कह रहे हैं। दोबारा संखेप सार कर लें, गुलाब का फुल तोड़न वाले नूं कह रहे हैं कि मैनू डाली नानो ना तोड़, मैं तो महक की दुकान ला रखी है, लखां गाहक मेरे कोल आंदे है सूंघदे और चले जाते हैं, कोई भी मेरे कोलों खाली नहीं जाता, जे तू एक तोड़ के लै गया तो कल्ला एक जोगा रह जाएगा, और वह भी थोड़े समय का मेला है भाई, और थोड़े समय बाद दा रूप है जेड़ा और इनकी खुशबू है वह पज जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं रहनी। तो यह जड़ियाँ गल्लां ने इंदे अंदर है भाई, होर केंद्रीय भाव, केंद्रीय भाव इंदा आही है कि सानू गुलाब का फुल तोड़न की बजाए उसकी महक का आनंद लेना चाहिए है, महक का आनंद लो। जे कि आप गुलाब का फुल तोड़ लाँगे तो रूप और महक दोनों चले जाएंगे, इस की बजाय उनके रूप से महक का आनंद नू माणिए पई। यह जो गल्लां है इस दे अंदर है। धन्यवाद, अगली रचना करांगे इस तो बाद।